स्वागत है दोस्तों मिस्टीरियस फैक्ट्स इन हिंदी चैनल का एक और वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जो हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के वजह से ही आज सिर्फ 9 महीनों में ही हमारे 30,000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। दोस्तों इस वीडियो में 5 ऐसे वीडियो क्लिप्स को मैंने इंक्लूड किया है जो मेरे ख्याल से कुछ पैरानॉर्मल या तो घोस्टली इवेंट्स को दर्शाते हैं। अब वीडियो कितना जेन्युइन है ये तो मैं हर एक वीडियो के चलते एक्सप्लेन जरूर करूंगा, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। नंबर 5, ह्यूमन शैडो फिगर। ये वीडियो क्लिप मेक्सिको के टमोलीपास एरिया का एक फैक्ट्री का है। इस वीडियो में आप लोग गेट पे खड़ा दो गार्ड्स को देख सकते हैं और ठीक उनके बगल में एक ब्लैक शैडो ह्यूमन फिगर को भी आप लोग देख पाएंगे। ये वीडियो बेसिकली कंट्रोल रूम की लाइव फीड था जो कि मोबाइल कैमरे में अलग से रिकॉर्ड किया गया है, और कंट्रोल रूम में बैठे सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने इस बात को तभी फोन करके उन दो गार्ड्स को भी बताया, और इसके नतीजे स्वरूप वो दो गार्ड्स तुरंत टॉर्च लेके सर्च करना भी चालू कर दिया। यहाँ पे आप लोग क्लियरली गार्ड्स को टॉर्च लेके इधर उधर घूमते हुए देख पाएंगे। एक बार तो एक गार्ड खुद उस फिगर के आर पार भी हो गया। इससे ये पता चलता है कि वो फिगर शायद ट्रांसपेरेंट था। और सबसे बड़ी बात ये था कि उस शैडो फिगर को वो दो गार्ड्स देख नहीं पा रहे थे, बल्कि कंट्रोल रूम के लाइव वीडियो फीड में वो फिगर साफ साफ दिख रहा था। ये कोई ग्लिच हो सकता है, नहीं तो कोई ओवरलैपिंग, लेकिन रिएक्शन देख के लगता तो है कि शायद ये सच है। लेकिन एक बात बता दूं कि इस वीडियो के ऊपर कोई न्यूज या खबर बाहर आया नहीं, तो शायद ये वीडियो फेक भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जिसके ऊपर बीतता है सिर्फ वो ही बता सकता है कि ये सच था या झूठ। नंबर 4, मूविंग ममी। ये एक सच्चा और अजीब फेनोमेनन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये पिक्चर जो अभी आपकी स्क्रीन पे है वो बेसिकली रोजालिया लोम्बार्डो नाम की एक 2 साल की बच्ची का है जिसका न्यूमोनिया की वजह से सन 1920 में ही मौत हो गया था। बच्ची की मौत से उसके पिता मारियो लोम्बार्डो इतना दुखी हो गए थे कि उसने रोजालिया के बॉडी को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। इसी सिलसिले में उन लोगों ने इटाली के मिलानो में रहने वाले अल्फ्रेडो सलाफिया नाम की एक एम्बालमार को कॉन्टैक्ट किया। अब दोस्तों जिन्हें एम्बालमार के बारे में पता नहीं उन लोगों के लिए बता दूं कि एम्बालमार मतलब वो इंसान जो किसी भी मृत शरीर को, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की, साइंटिफिक टेक्निक से प्रिजर्व कर सकता है ताकि वो शरीर हमेशा के लिए फ्रेश रहे, उस पर कोई डिकम्पोजिशन ना हो। सलाफिया के टेक्निक्स की वजह से रोजालिया की शरीर प्रिजर्व तो हो गया, और आज भी स्लीपिंग ब्यूटी नाम की ये मम्मी आप लोग इटाली के सिसिली के कैप्यूचिन कैटाकॉम में देख पाएंगे। अब मुद्दा ये है कि रोजालिया के इस मम्मी हॉन्टेड है। बहुत सारे टूरिस्ट्स का कहना है कि रोजालिया अभी भी जिंदा है और उसकी आंखें मूव होता है। कुछ पिक्चर्स में ये बात क्लियरली साबित होता है। आप लोग भी क्लियरली देख पाएंगे कि एक पिक्चर में आंखें बंद है और एक में आंखें खुला है। म्यूजियम के क्यूरेटर का कहना था कि सिर्फ आंखों के अलावा और कोई पैरानॉर्मल इवेंट आज तक नहीं हुआ है। ये बात बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पे और लाइव मीडिया में भी दिखाया गया है। दोस्तों आप लोग चाहते हैं तो गूगल सर्च करके इस बात की पुष्टि भी कर सकते हैं। नंबर 3, लायोरोना अपीयर्स ऑन रोड। लायोरोना लैटिन अमेरिकन फोकलोर की एक बहुत पॉपुलर लेजेंड माना जाता है। जापान की कहानियों में स्लिट माउथ वुमन कुची साके ओना की जितनी इंपॉर्टेंस है, लैटिन अमेरिका की कहानियों में व्हिपिंग वुमन लायोरोना की भी बहुत बराबर की इंपॉर्टेंस है। लायोरोना हमेशा खुले बाल और व्हाइट कपड़े में ही दिखती है। कहानियों के मुताबिक अपने पति से बहुत प्यार करने वाली ये औरत को जब अपने पति से धोखा मिलता है तब अपने पति से बदला लेने के लिए वो अपनी 3 बच्चों को तालाब में डुबाकर मार देती है, और बाद में पश्चाताप में वो खुद अपनी जान ले लेती है। कहानियों के चलते तब से आज तक लायोरोना अपनी बच्चों को ढूंढती है और रोती रहती है, और जो उसकी रोना सुन लेते हैं उसकी जिंदगी श्रापित हो जाता है और उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। Now You Know नाम की एक YouTube चैनल पे अपलोड हुआ ये वीडियो बेसिकली एक CCTV फुटेज है। मेक्सिको सिटी की इस क्लिप में रोड के बीचों बीच एक धुंधला व्हाइट शैडो दिखाई देता है। अचानक से ये शैडो एक औरत पे तब्दील होता है जो व्हाइट कपड़े में थी और उनके बाल भी खुले थे।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक गाड़ी स्पीड से उस शैडो औरत के बीचों बीच से निकल जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस औरत को लाइयो रोना से जोड़ चुके हैं, लेकिन ये वीडियो क्लिप्स मेक्सिको की है और जियोग्राफिकली मेक्सिको शायद लैटिन अमेरिका में नहीं पड़ती। जो भी है, सिर्फ उसकी रोने की आवाज सुन के अगर किसी की जिंदगी श्रापित हो जाता है तो मुझे ये सोच के हैरानी हो रहा है कि उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ क्या हुआ होगा जिसने लायो रोना के ऊपर गाड़ी चला दिया। ये वीडियो फेक हो सकता है, आप लोगों का ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ब्लैक मिस्ट और घोस्ट। ये वीडियो शुरुआत में मुझे बहुत ही टेरिफाइंग लगा था। सूत्रों के मुताबिक ये एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है और शायद ये एक ऑफिस रूम का हो सकता है। इस वीडियो में एक कैबिनेट के नीचे से सबसे पहले एक ब्लैक मिस्ट या ब्लैक धुआं जैसा कुछ निकलता हुआ हम लोग देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में वो ब्लैक मिस्ट अपने आप ट्रांसफॉर्म होके एक ह्यूमन या इंसान जैसा कोई आउटलाइन में तब्दील हो जाता है। एक और एंगल पे लगा एक और कैमरे से ये इवेंट कैप्चर हुआ है जहां पे ये सेम ब्लैक फिगर को मूव होता हुआ देखा गया है। वीडियो की आखिर में ये ब्लैक फिगर को फिर से ट्रांसफॉर्म होके वापस से एक धुआं या मिस्ट में तब्दील होता हुआ देखा जा सकता है। ये वीडियो कहां से है, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, ये सब मुझे कहीं पे नहीं मिला। अगर कोई वीडियो जेन्युइन होता है तो उस वीडियो या इवेंट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन जब कोई आधा अधूरा इंफॉर्मेशन मिलता है तब मुझे खुद उस वीडियो या इवेंट्स के ऊपर डाउट्स होता है। जो भी है, ये वीडियो में ग्राफिक्स का इस्तेमाल लाजवाब है और अगर ये वीडियो जेन्युइन है तो आप लोग मुझे बताइए कि ये वीडियो कहां की है। नंबर वन, चाइल्ड्स प्ले। ये वीडियो शायद आज तक का सबसे ज्यादा कॉन्विंसिंग पैरानॉर्मल वीडियो हो सकता है और शायद इंटरनेट पे मौजूद ये वीडियो एक ऐसा पल को बयां कर रहा है जो शायद आप सबका होश उड़ा देगा। नसीरुल्ला नापी नाम की एक ट्विटर चैनल पे अपलोड हुआ ये वीडियो में एक बच्चे को खेलते हुए एक आईने के सामने बैठा हुआ देखा जा सकता है, लेकिन आईने पे बच्चे का रिफ्लेक्शन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है। बच्चे के माँ द्वारा लिया गया इस वीडियो में बच्चा खेलते खेलते उसकी माँ की तरफ घूम के एडोरेबल स्माइल देता है, लेकिन ताज्जुब से बच्चे का रिफ्लेक्शन ये चीज फॉलो नहीं करता, बल्कि बच्चे के पीछे घूमने के बावजूद उसकी रिफ्लेक्शन सीधा देखता रहता है। और ताज्जुब की बात ये थी कि आईने में बच्चे का आंख पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद मिरर का रिफ्लेक्शन फास्ट फॉरवर्ड होके बच्चे के प्रेजेंट मूवमेंट्स पे आ जाता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस वीडियो में? क्या ये सच में कुछ एक्सट्रीम पैरानॉर्मल है या ये सब हाई लेवल का एडिटिंग है? फिलहाल अभी मैं इतना बोल सकता हूं कि ये वीडियो एकदम रिसेंट है, तो इसका सच्चाई झूठ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि जिसने भी इस वीडियो को अगर एडिट किया होगा तो उसकी हुनर का तो तारीफ करना ही पड़ेगा, और अगर ये वीडियो जेन्युइन है तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। ये रहा हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और हमारे चैनल का काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की हौसला और हमारे चैनल की ग्रोथ बरकरार रखिए, ताकि हर हफ्ते ऐसे ही कुछ नया चीज़ें हम आप लोगों के सामने पेश कर पाएँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का।